कर लेंगे, बस एक बार बाहर डाल जाए पार्टी का मैं सवाल लूंगा। बहुत याद होते मेरे वापस। वैसे ऐसा रसूल तो अपना भी कुछ कम नहीं, बल्कि ऐसा ना हो कि वहाँ जाए भी और कुछ काम भी ना हो, फिर तो वही बात हो जाएगी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। रामलीन भाई आप क्यों फिक्र करते हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा, वही सबका पालनहार है। बस आप एक दफा दिल पक्का करके लखनऊ चलने का इरादा कर लो। रहीम खान पहले स्कीम तो बना ले। स्कीम वही बनाई है, वही पुरानी वाली। तुम किसी हिंदू के पास जाना और कहना कि मुसलमान ने मेरे पूरे परिवार का खत्म कर दिया, किसी तरह चार होता कर बना लेना आया हूँ, और फिर यकीन दिला देना। और तुम किसी मुसलमान नवाब के पास जाके बोलना मेरा सारा खानदान हिंदुओं ने खत्म कर दिया, आपके पास पनाह लेने आया हूँ। बस फिर अपना काम हो जाए, बस तो हो जाए। आज शाम की गाड़ी से लखनऊ रवाना हम चलते हैं। बिल्कुल। क्या बगुली मारी हमारे शेर अपन। अगर राय साहब का रुस्तम एक पैर उखड़ने पर दूसरे पर खड़ा ना होता तो यानी कि अल्लाह कसम गया था चारों खाने चित था। भाई वाह भाई वाह भाई, क्या घोड़ा पछाड़ किस्म का हाथ दिखाया है आपके रुस्तम ने। वो तो कहिए खैरियत हुई, वरना शेर अफगन नामी के शेर अफगन ने जाते आज। आज रुस्तम खुद सुस्त नजर आता है, मालूम पड़ता है आज रात में जरूर कोई खासी कमी थी, वरना और क्या वजह हो सकती है। राय साहब ये बात कुछ जची नहीं, जनाब इसी को कहते हैं कि नाच ना है और आ घंटेड़ा। किबला यानी कि अल्लाह कसम नवाब साहब यह कीमती वक्त क्यों नजर कीजिए, जरा इधर भी तो मुलाजा कीजिए, जरा देख लिए अपने शेर अफगन को क्या क्या बिनौती पैंतों से बार कर रहा है। ए, ए, यानी कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए देखिए ये नहीं माना जाएगा, शेर अफगन ने तो रुस्तम को कोने में धकेल रखा है। अरे इसे तो मौका नहीं मिल रहा है कि अपने आकर जवाब दिखा सके, ये नहीं माना जाएगा मैं बोल रहा हूँ। वाह, यानी कि क्यों नहीं माना जाना चाहिए मियां? है जी, अजी किसी ने कहा था कि आपका रुस्तम जाकर वो एक कोना संभाल ले, वो तो अपने शेर शेर अफगन का कारनामा है जो सब कोने में लेकर है। जरा मुलाजा कीजिए इसके दांव पे, है यानी कि अल्लाह कसम मुलाजा कीजिए हुजूर, ये नाज ये देवर क्या शान है तेरी आजी साहब को बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे सटो रुस्तम के साथ तेरी इस अदा पर। ठीक है साहब, तारीफ करते वक्त अपनी जबान पर लगाम लगाए रखे, अरे रुस्तम चारों खाने चित। शुक्रिया किबला यानी कि अल्लाह कसम नवाब साहब, भाई ये तो सुना करते थे कि अपने गेट पर तो हर कोई शेर होता है, पर कुर्बान जाओ अपने शेर शेर अफगन, जिस भी दरवाजे पर गया शेर ही रहा। आप रुस्तम को कुत्ता बना रहे हैं, ये लीजिए, यानी कि कहेंगे ईरान की और सुनेंगे तुरान की। अजी आपको रुस्तम का तो हमने नाम तक नहीं लिया, वो तो हम अपने शेर शेर अफगन की बात कर रहे थे। शेर अफगन की जीत पर आप फूले नहीं समारे, अगर आप में भी थोड़े दम खमे तो आइए मैदान में और लगाइए दो द्वार, अभी के अभी मालूम हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। देखिए यानी कि अल्लाह कसम गुस्से में दिलाइए हमें, हम बता रहे आपसे, देखिए यानी कि अरे आइए सामने और लगाइए दो द्वार। नवाब साहब यानी कि आपका और राय साहब की इज्जत का लिहाज कर रहा हूँ, वरना इस पहलवान को तो हम छोड़ के नहीं। खामोश खामोश भाई, आप लोगों ने क्या बदबसी फैला रखी है, गोया के बड़े शर्म की बात है कि राय साहब किबला के सामने आप ऐसी नाजेब हरकत कर रहे हैं। माफ कीजिएगा राय साहब, इन हजरात की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं। वैसे रुस्तम की पानी जाने का अफसोस तो हमें भी है। अच्छा आदाब है राय साहब, हो सके तो रुस्तम की गर्म पानी से सिकाई करा दीजिए,
अब क्या पता जिस्म में दर्द हो रहा आपका वक्त है नवाब साहब, हंस लीजिए हंस लीजिए। आदाब अर्ज, आदाब अर्ज। भाई राय साहब ये भी तो अपना अपना वक्त है, इसमें भी भगवान की कोई मर्जी नहीं होगी, वरना आप पर उत्तम तो अच्छो अच्छो को टिकने नहीं देता। आप अपना दिल छोटा ना करें, अभी तो एक पाली और बाकी है। मिश्रा बाबू बात ये नहीं, मुझे पाली हारने का जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा। मेरे दिल पर तो अफगनिया के कहते चोट लगा गए, जख्मी हो गया हूँ। अरे वो तो कहिए कि खैरियत हुई, वरना आज तो मैंने उन्हें मजा चखा दिया होगा। भाई ये भी तो अपना अपना वक्त है। भाई जब पिछली मरतबा आपके रुस्तम ने अफगनिया के शहर जोर को जमीन चटाई थी, भाई तब आप भी तो अपनी मूंछों को ताव देकर फांसे थे। बस इसी बात का अफसोस हो रहा है मिश्रा बाबू, क्या वो मूंछ नीचे हो गई। मैं इस बेइज्जती को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ राय साहब, फिक्र अफसोस की कोई जरूरत नहीं। अरे अगली पाली में मालूम ही हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सरकार इलेक्शन जनाब से मिलने आई है, अंदर भेज दीजिए। बहुत अच्छा सरकार। भाई मालूम होता है पिछली मर्तबा का बदला लेने के लिए इस मर्तबा नवाब साहब ने उस्तन की मिजाज कुर्सी के लिए किसी को भेजा है। अभी जाकर देखता हूँ, आज तो मैं कहीं इतनी मिजाज कुर्सी खुशी ना कर दूँ। अरे मुन्ना मिया छोड़िए भी। राम राम राय साहब। नमस्ते, आपका परिचय? राम जी नाम है हुजूर। एक मुसीबत बताऊं, मुसलमानों के हाथों सब कुछ लुटवा कर आया हूँ। क्या हो गया ऐसा, भला आखिर क्यों लूट लिया आपको? फसाद हुआ हुजूर, बीवी बच्चों सबको मार दिया। भाई आखिर किसने मार दिया? मुसलमानों ने सरकार। मुसलमानों ने? अब आप बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हो मियां। भाई मुसलमानों का कोई नाम भी तो होगा, अकबर मियां, झमन मियां, शबन मियां। नहीं हुजूर, तमाम मुसलमानों ने। बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ आपके साथ जो भी हुआ। ये बताइए क्या आखिर आप हमसे क्या चाह रहे हैं? खाना वाना खाया आपने? संक्राम संक्राम, अरे इन महाशय को ले जाके जरा रसोई में खाना वाना खिला दीजिए। अब तो अन पानी को उसी दिन हाथ लगाऊंगा जिस दिन अपने बच्चों की मौत का बदला ले लूं। तो ठीक है, आप जल्दी से जाइए और फारिग होके आ जाइए, तब तक संतराम भी रसोई तैयार रखेगा। हाँ जरा जल्दी आइएगा, खाना ठंडा ना हो जाए। पर हुजूर मैं अकेले कैसे बदला ले लूं? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हुजूर के नाम के बहुत चर्चे सुने थे, बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? भला हम कुछ समझे नहीं मिया, आखिर हम आपकी किस तरह मदद करें? हम इसमें ना समझने वाली क्या बात है राय साहब, यही मौका है कब्बन मियां से रुस्तम की पाली हार का बदला लेने का। मिश्रा बाबू आखिर है तो वो भी एक मुसलमान, कहना क्या चाह रहे हैं आप कि हम उन्हें दोबारा पाली का न्योता भेज दें? रुस्तम की हालत तो आप देख ही रहे, ऐसे में दोबारा लड़ेगा? बदला पाली में बटेरों से नहीं चक्कों से लिया जाएगा। हुजूर ठीक ही तो कह रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान फसाद कराकर कब्बन मियां से बदला ले लीजिए। कहना क्या चाह रहे हैं मुन्ना मियां कि हम नवाब साहब की शान में गुस्ताखी कर दें? हुजूर गुस्ताखी नहीं, कत्ल कर दीजिए। कत्ल हमारा नाम या ना, भाई मैं इसकी राय नहीं दूंगा, ये बात जरा नाजायज हो जाएगी राय साहब। भाई देखिए मेरी बात सुनिए, अजीब फसाद में सब जायज होता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब मारे जाएंगे। हमारा फर्ज कीजिए जनाब, हम कत्ल के लिए तैयार हो भी जाए फसाद होगा कैसे? आप कत्ल की वारदात को अंजाम दीजिए, फसाद मैं करा दूंगा। अब अगर हम कत्ल करने के लिए तैयार हो भी जाएंगे,
पर हम कत्ल करेंगे किस चीज से बला? आखिर हमारे पास तो कोई मुनासिब हथियार भी नहीं है। नहीं नहीं, इसे अपने पास ही रखो। किस कदर घिनौनी चीज है नवाब साहब का कत्ल करने के लिए हम ऐसी बदरौनक और बदशक्ल चीज का इस्तेमाल करेंगे। मिश्रा बाबू आप कहिए मैं गलत कह रहा हूँ। अरे इस कमबख्त का वहां तक ले जाना भी अजाबे जान हो जाएगा। रास्ते चलने वाले लोग खप्पियां कसेंगे। अरे लोगों की परवाह की तो हो रही है ना, लाइए मुझे दीजिए। भाई चीज तो बड़ी निहायत ही बदशक्ल व बदनुमा मालूम होती है, और अगर इसे किसी खूबसूरत कपड़े में लपेट कर ले जाए जाए तो शायद इतनी बुरी मालूम ना हो। और बावक्त इस्तेमाल ये नवाब साहब की आंखों से ही बची रहेगी। क्या और फर्ज कीजिए दौराने वारदात नवाब साहब ने हमें देख लिया तो भला क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, और फिर हमारी क्या इज्जत रहेगी उनके दिल में? फिर आप ही कोई तरीका सोचिए। अब जब कत्ल की वारदात में अंजाम देनी है तो क्यों ना जरा खूबसूरती से किया जाए। मेरे ख्याल में ना बहू रानी के कवाम खाने वाला चौकू मुनासिब रहेगा। उसका दस्ता हाथी दांत का बना है, अभी मियां निजाम के घर से हफ्ता भर पहले ही बनवा के लाए। क्या मियां निजाम ने खुद अपने हाथों से बनाया है? जी भाई बिल्कुल एकदम लाजवाब चीज होगी। अब भाई पूरे लखनऊ भर में एक ही तो कारीगर है। क्या आपको मैंने नहीं दिखलाया था? नहीं रुकिए अभी मंगवाते। संतराम संतराम जरा बहू रानी से कवाम खाने वाला चाकू मंगा लीजिए। बहुत अच्छा सरकार अभी लाई। नहीं भाई साहब चाकू मंगवाए रहे। कौन सा चाकू? अरे भाई आपका कवाम खाए वाला जो नदी खाली में बन के आवा है। पर चाकू का वो क्या करेंगे? अब क्या बताइए हजूर, तो भाई साहब नवाब साहब का कत्ल कर रहे जा रहे। चलना चाहिए नवाब साहब के यहाँ। ठीक है चला जाए। अरे मुन्ना मिया एक काम करिए आप घर पे ही रुकिए तो बेहतर होगा। अरे फसाद का मामला है और घर पे किसी आदमी का रुकना जरूरी है। बहू रानी भी घर पे तनहा होंगी, एक काम करिए आप घर पे ही रहिए बेहतर होगा। ठीक है जैसा आप बेहतर। भाई प्यारे मियां ये अपना भी पुराना रियाज है, अल्लाह खादिम ने आपकी इस चाल को पहले ही भांप लिया था। ये देखिए मेरा बादशाह एक घर आगे
और बचा ली अगली शहर। अब देखिए फंस गया है आपका घोड़ा। यानी कि अल्लाह कसम नवाब साहब, घोड़े के निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। या सुभान अल्लाह, क्या चाल यानी कि मेरे जहन में आई है। ये लीजिए मेरे पैदल का जोर, ये लीजिए। अब आप अपने रुख की फिक्र कीजिए। भाई सोच समझ के चलिएगा, जनाब को बाद में पछताना ना पड़े। आपको दिख नहीं रहा यहाँ पर कौन नाचीज मौजूद है? चलिए चलिए जाइए, अपना काम कीजिए, चलिए। अरे सुनिए तो सही, यहाँ तो आइए, यहाँ आइए। कहीं कहीं वाकई जाकर आप बेगम साहिबा से यह ना कह दीजिएगा कि नाचीज हुजूर के साथ शतरंज खेल रहा है, ठीक है ना? जाइए जाइए, किसी और का नाम लीजिएगा। माफी चाहते हुए अर्ज है कि हुजूर, कि यानी कि अल्लाह कसम हमें आपकी बेगम साहिबा से बहुत ज्यादा खौफ मालूम होता है। दरअसल अपनी इज्जत से डरता हूँ। चलिए अब आप मुझे इजाजत दे तो बेहतर होगा। भाई प्यारे मियाँ जी, आप तो खामा खा उनसे खायाब रहते हैं, अलावा वो बेचारी तो आपका बहुत ख्याल रखती हैं। यानी कि अल्लाह कसम नवाब साहब, शब्बन मियाँ की बेगम भी तो हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, और शब्बन मियाँ भी हमेशा यही कहा करते थे, भाई आप खामा खा वल्लाह हमारी बेगम से डरते हैं। लेकिन हुजूर, शाह मीरा साहब वाले दरगाह वाले वाक्य ने हमारी आंखें खोल दी। अब आपको तो पता ही होगा। कौन सा वाक्य? क्या हमें कुछ नहीं बताया? तो वाकई आपको नहीं मालूम कि हमने शब्बन मियाँ की हवेली पर आना जाना क्यों बंद कर दिया? आ खुदा, हमें कानों कान खबर नहीं है, जरा हमें भी बतलाइए। अब क्या ही बदलाव हुजूर, दरअसल एक रोज यानी कि पिछले नौचंदी की बात है, शाह मीरा साहब वाली दरगाह पर हम अपनी हाजिरी देने पहुंचे। एक हिलकत वहां मौजूद थी और एक तरफ एक बीवी अपना झोला फैला खुदा पाक से दुआ मांग रही थी। अब हमारा उधर से गुजर हुआ तो हमारे कानों में जो आवाज पड़ी, बस हम तो वही ठिठुक गए। वो बीवी खुदा पाक से दुआ मांग रही थी, वो कह रही थी कि या अल्लाह पाक, इस भांड प्यारे मियां की सोबत से मेरे शौहर को महफूज रख। यानी कि अल्लाह कसम नवाब साहब, अपने शान में ऐसे लफ्ज सुनकर तो हमें बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ। हम दबे पांव वहां से बाहर निकला, बाहर निकलकर हमने बग्घी वाले से थोड़ी बहुत बात पूछ की तो पता चला कि सारी की सारी सवारियां जो है वो छप्पन मियां के यहाँ की मौजूद थी। हुजूर यानी कि अल्लाह कसम, हम जब ही समझ गए कि उस बीबी की सारी दुआएं वहीं के वहीं कबूल हो गई। प्यारे मियां, वो दिन और आज का दिन हमने शब्बन मियां की हवेली पर कदम नहीं रखा। ये तो बहुत ज्यादती है बाबी साहिबा की, जो आपको भांड कहा। यानी कि अल्लाह कसम हुजूर, ये तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो हमारे खिलाफ न जाने और कैसे नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हम आपको बता नहीं सकते। अब हमें तो डर है कि आपका साथ कहीं हमें छोड़ना ना पड़ जाए। प्यारे मियां, हमारी बेगम के मिजाज में और शब्बन मियां की बेगम के मिजाज में बहुत फर्क है, आप कतई चिंता ना करें। आइए ये बाजी पूरी की लीजिए। नहीं नहीं हुजूर, यानी कि अल्लाह कसम, अब इस शतरंज के खेल में हमारा बिल्कुल दिल नहीं लगा। बस बहुत हो गया, हम अपनी इज्जत से डरते हैं। ये लीजिए हुजूर, वो जी का जद्दा फिर से यहाँ आ रहा है। हम समझ गए, आज हमारी सामत ही हमें यहाँ पर लेकर आई है। अब आप हमें उससे लीजिए, वरना अल्लाह कसम। अरे मियाँ, अरे प्यारे मियाँ, नहीं रहने दो आप अगीरा, ये हुक्का और बिसात भी अंदर ले जाओ। नवाब कपूर साहब। कौन राय साहब? सब खैरियत तो है जनाब? जी जनाब सब खैरियत है, बस आप जरा बाहर तशरीफ लाइए। आदाब अर्ज है किबला, अंदर तशरीफ तो लाइए। नहीं नवाब साहब, आज जरा किसी दूसरे इरादे से आए हैं, कृपया आप बाहर तशरीफ लाइए। अरे राय साहब, जिस भी इरादे से आए हैं आप अंदर तशरीफ तो लाइए। आइए पहले आदाब अर्ज है। इस बेवक्त हाजिरी के लिए माफी चाहता हूँ नवाब साहब, बस आपको जरा सी तकलीफ देनी थी। जय नसीब सराफों पर, फरमाइए। मुंतजर हूँ, आपकी तबीयत को नासाज लगती है। मिश्रा बाबू, लगता है राय साहब को रुस्तम की शिकस्त गहरा असर हुआ है। रुस्तम की शिकस्त नहीं, हिंदुओं की मौत का कहिए जनाब। खुदा ना खास्ता, कहाँ मर गए हिंदू साहिबान?
ये जो महाशय जी हमारे साथ आए हैं ना इनके गांव में, आपकी तारीफ, आप मुसीबत ज्यादा है, आप ही ने हमें बतलाया कि आपके यहाँ तमाम हिंदू हजरात मारे गए, अब हम इनका बदला लेने के लिए निकले हैं। वल्लाह वल्लाह, ये तो बड़ा नेक ख्याल है राय साहब, बदला लेने इनके गांव इस वक्त जा रहे हैं। अगर सही समझे तो मैं भी साथ चलता हूँ, जुम्मन मियां को भी ले लेता हूँ। नहीं नवाब साहब, अब क्या बताएं, वो दरअसल बात ये थी कि अब मिश्रा बाबू की तस्वीर देखिए राय साहब, ये बात ठीक नहीं है, आप तो अपने आप को अलग किए जा रहे हैं और हमें फंसाए जा रहे हैं। माना कि ये प्रोग्राम हम तीनों का मुहूर्त हुआ था। नहीं नवाब साहब, बात दरअसल ये है, लगता है आप तीनों लंबी मुसाफत के लिए बाहर निकले हैं और हमें भी साथ ले आना चाहते हैं, इसीलिए कहने में पशु पेश कर रहे हैं, किबला हम तैयार हैं। हाँ तो फरमाइए, आप क्या कह रहे थे? बात दरअसल ये है नवाब साहब कि हम लोग हिंदुओं की मौत का बदला लेने के इरादे से निकले थे, और फिर हम लोगों ने तय किया कि जब मुसलमानों को मार नहीं है तो क्यों ना शुरुआत कब बन जा सकती है। जहन नसीब, जहन नसीब, जहन नसीब। आता फजा लाता हूँ राय साहब, लेकिन ये खटल वटल सर गैर कानूनी चीज हो जाएगी, उसकी आप कतई फिक्र ना करें नवाब साहब। वो जो महाशय जी हमारे साथ आए थे ना, उनका कहना है कि वो फसाद करा देंगे, पर आप तो जानते हैं फसाद में सब जायज होता है। अब राय साहब जब आप तय कर ही चुके हैं तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, और वो मिश्रा सच है, सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए। भाई कोई हथियार हथियार भी लाए है ये बातों से जान लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, हथियार लाए, हथियार था तो भी तो हमने नवाब साहब के कत्ल करने की जरूरत की है। सुभान अल्लाह, आप रुकिए अभी दिखलाते। मिश्रा बाबू जी, मालूम पड़ता है वो चक्कू हम घर ही भूला है, तो अब क्या होगा, मजबूरी है, आइए कत्ल को कल पे डाल देते हैं और शतरंज की बाजी पूरी करते हैं। आप पे तो वाकई दो पैदल चली है। देखिए नवाब साहब, ये सही नहीं है, अब जब कत्ल करने की वारदात हमें अंजाम देनी है तो क्यों ना अभी निपटा दिया जाए। आप एक काम करिए, आप फकीरा को आवाज दीजिए, वो ले आएगा लपक के, बाहर के कमरे में ही रखा है मसरी पे। भाई नवाब साहब क्या गजब की चीज है, भाई हाथी दांत के दस्ते पे वो काम किया गया है कि बस देखा कीजिएगा। माशाल्लाह भाई, मियां निजाम ने खुद अपने हाथों से बनाई है। वाकई मिश्रा जी, जी। फकीरा राय साहब तब तक शबन मियां से मिला है, अब आखिर अपने दोस्तों से तो रुख्सत हो ही लिया जाए। देखिए नवाब साहब, हमें चलने में कोई एतराज नहीं है, पर एक काम कीजिएगा, आप शबन मियां से मिलाइए, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। अब भला उन्हें पता चला कि हम आपके कत्ल के इरादे से आए हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अच्छा तो आप बाहर ही रहिएगा, हम उनसे मुलाकात कराएंगे। हुजूर ने हमें याद फरमाया। वकीला जाओ राय साहब के घर जाके चाकू ले आओ, वही मसहरी पे रखा होगा, और हाँ उसमें संस्कृत के 3 श्लोक भी कल करें। तो चलिए राय साहब आइए, चला जाए नवाब साहब। अरे फकीरा, हम लोग शब्बन मियां के घर जा रहे हैं, तो चाकू वहीं ला के दे देना। जी हुजूर। जी चलिए। यहाँ के लोग तो बिल्कुल मेहरियान हैं, लड़ना तो जानते ही नहीं, मतलब मामला आगे बढ़ा ही नहीं। बढ़ा तो जब राय साहब के घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद हथियार की खोज शुरू हुई। एक तो वो फसाद के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, हथियार की खोज के बाद घर से एक 1.5 इंच की चकुइया मिली। उस 1.5 इंच की चकुइया को देख के बड़े खुश होके कहते, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। लेके हम चुपचाप नवाब साहब के घर पहुंचे। नवाब साहब, भैया नवाब साहब तो उनसे भी बड़े ढीले इंसान निकले, उन्हें देखकर वे झुकझुक कर सलाम करने लगे, आधा बरसे आधा बरसे। क्या हुआ? ऐसे में फसाद कैसे होगी? देखो मुझे तो कुछ होता हुआ तो दिखता नहीं, मैं तो इसीलिए वहां से निकल गया। खैर छोड़ो, तुम बताओ नवाब छप्पन मियां के घर गए कि नहीं? अरे और वो अमीनाबाद वाली स्कीम थी ना, क्या हुआ उसका? देखो भाई, अभी नवाब साहब के हाथ लगाया नहीं,
और अमीराबाद वाली स्कीम का वही हुआ जो तुम्हारे साथ राय साहब के यहाँ हुआ है। मैंने दो चार बार दोस्तों का इधर पैक किया और अमीनाबाद में हिंदू फैलवाने की दुकान पहुंच गया, मोल तोल को लेकर झगड़ा शुरू किया, दो चार गालियां भी दी और वो आदमी तो बिल्कुल खामोशी रहा, कुछ बोला ही नहीं। कुछ देर बाद सोचने के बाद बोला कि हुजूर अगर कीमत आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो आगे देख लीजिए, खुद करीब से क्यों झगड़ा करते हो। जब बात आगे नहीं बढ़ी तो लगभग कि मैंने सुखी बदल दिया कि मुसलमान समझ के मुसलमान नहीं करता है। आस पास के दो चार मुसलमान भी इकट्ठा हो गए और वो तो जैसे पहले से ये तय करके बैठे थे कि मेरी एक न सुनेंगे, लगे मुझे हिलान तान कर रहे। किसी तरह जान बचा कर भागा हूँ, अगर नहीं भागता रहता तो जान मुसीबत में पड़ जाती। यहाँ के लोगों में फसाद कराना बहुत मुश्किल काम मालूम होता है रामदीन भाई। तो भाई मेरा भी यही विचार है, यहाँ आते समय रास्ते में एक व्यक्ति वाला मिला, मैंने उससे पूछा भैया जॉब तक का कितना लोगे, तो कहता चार आने। मैंने बोला अरे भैया तो जॉब तक का दो आने लो। थोड़ी देर तो वो चुप है, फिर चुप होके कहता आइए जनाब आपको मुफ्त में छोड़ दूं। शकल वो चार साल से बिल्कुल मुसलमान मालूम होता था, तो मैंने भी अपनी आवाज खूब ऊंची करी और कहा हिंदू समझ के मुझसे मस्ती करना है। तो क्या हो, मेरी आवाज सुन के आस पास के दो चार लेके वाले भाई इकट्ठा हो गए, लेकिन मेरी बातों का तो जैसे उसमें कोई असर ही नहीं हुआ। वो चुपचाप अपने यक्के से नीचे उतरा, मुस्कुराता हुआ सड़क के किनारे जाके खड़ा हो गया, गनीयत को कान में लपेट कर बैठा और पेशाब करने लगा। दुनिया मुझे तो यहाँ पे लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम का फर्क भी समझ नहीं आता है। छोड़ो सब्र से काम लो, अल्लाह ने चाहा तो प्रभु जरूर होगा। वैसे मेरे दिमाग में एक और बेहतरीन स्कीम है, अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हो सकता तो क्यों ना शिया सुन्नी फसाद करा दे। वही शिया सुन्नी फसाद क्या होता है? हमारा फसाद होता है चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या शिया सुन्नी। तुम उससे क्या तुम अपने काम से काम रखो ना। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम नवाब शब्बर मियां के घर जाओ, क्या पता वहाँ पे कुछ काम बन जाए। ठीक है नवाब साहब यहाँ जाता हूँ। और अरे रामदीन साहब आप कहाँ चले गए थे जनाब, हम आपको इतनी देर से तलाश किए जा रहे हैं। वो दरअसल नवाब साहब आपके बीवी बच्चों का कत्ल कराने के लिए तैयार हो गए और नवाब साहब चाहते कि इससे पहले हम उन्हें कोई तकलीफ दे वो जरा अपने दोस्तों से रुखसत हो ले, इसीलिए हम शब्बन मियां के यहाँ जा रहे हैं। हुजूर जब से बीवी बच्चों की मौत हुई है मेरा तो किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। सब्र कीजिए सब्र, शायद खुदा को यही मंजूर था और आपके इस बदले के लिए तो हम नवाब कब्बन मियां अपना खून बहाएंगे। खुदा राय साहब को हिम्मत अता फरमाए, बस फकीरा चाकू लाता ही होगा, फिर हम इस कत्ल को अंजाम देते हैं। ये लीजिए चाकू। शुक्रिया शुक्रिया, ये देखिए नवाब साहब मुलाहिजा कीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह चश्मे मंजूर, नहायत ही खूबसूरत चीज है राय साहब। बस अफसोस इस बात का है कि हमारा खून इसे आलूद कर देगा, इसके इस्तेमाल के लिए भी कोई परी पहकर होना चाहिए था। भाई राय साहब नवाब साहब जो कह रहे हैं भाई आपकी कुछ समझ में आ रहा है ना, आपके पास कोई जवाब है इस बात का? वो दरअसल बात ये है मिश्रा बाबू, नवाब साहब बहुत जख्म खा चुके परी पैकरों के। राय साहब इस तरह तो जान देने में हमें कोई उज्र ना होगा। बोया किया वह देखे नवाब साहब, भाई आखिर दिल की बात सभा पे आई गई आपके। मिश्रा जी ये एक ख्वाहिश थी हमने बयां कर दी, और राय साहब भी किसी परी पैकर से कम तो नहीं। कह लीजिए नवाब साहब कह लीजिए, हम तो आपके गुनाहगार ठहरे, आपका वक्त है कह लीजिए। तो आइए शब्बन मियां के घर की ओर चला जाए।
आइए जनाब, बिस्मिल्लाह कीजिए। आइए पहले आप। जी नहीं जनाब, पहले आप। नहीं राय साहब, पहले आप। अरे नामुमकिन नवाब साहब, पहले आप तशरीफ लाइए। हरगिज़ नहीं राय साहब, पहले आप। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले آج کل زمانہ بہت خراب بہت برا ہوا آپ کے ساتھ۔ میرے قریبی دوست کمبل صاحب بڑے نیک سیرت وفادار اور ہمدرد طبیعت انسان ہیں، ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ بھائی شبن میاں حاضر ہو سکتا ہوں؟ آئیے آئیے نواب کمبل صاحب، بڑی عمر بھائی ہے۔ ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، پر یہ بے وقت آنا کیسے؟ بھائی شہادت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، اب آخری وقت میں دوستوں سے تو رخصت ہو ہی آ جائے۔ یہ جناب کون ہے؟ حیرت تو ہے حضور، آپ خدا نہ خواستہ اتنے پریشان کیوں؟ آئیے تشریف رکھیں۔ یہ رحیم خان ابھی ابھی لکھنؤ آئے، بڑی مصیبت زدہ ہے، بیچاروں کا سارا خاندان ہندو صاحبان میں گاجر مولی کی طرح کاٹ گیا۔ انا الہی و انا الہی راجعون، بڑے دکھ کی بات ہے۔ ویسے ایک ایسے ہی مصیبت زدہ رائے صاحب کے گھر آئے تھے، کہتے تھے تمام مسلمانوں نے ان کے ہندو خاندان کو ختم کر دیا، اور رائے صاحب تو بہت نیک دل انسان نکلے، چل پڑے ہیں ان کا بدلہ لینے۔ جانتے ہیں سب سے پہلے ہمارا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ رائے صاحب کا دماغ تو بولا، سب کو قتل کریں گے۔ اجی تو کیا جھوٹ موٹ، اور نواب صاحب آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ بھائی شبن میاں دنیا میں مروت بھی تو کوئی چیز ہے۔ حضور فساد میں دوست کے مروت نہیں دیکھی جاتی۔ شبن میاں جی بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں، اور رائے صاحب ٹھہرے ہندو، تو کیوں نہ آپ ان سے اپنے مسلمان بھائیوں کی موت کا بدلہ لیجیے گا۔ بدلہ؟ لیکن کس طرح؟ آپ ان کا مقابلہ کیجیے۔ جی ہمارے پاس تو کوئی مناسب ہتھیار بھی نہیں ہے، شبن میاں آپ ہی کوئی سجھاؤ دیجیے۔ ہتھیار تو میرے پاس بھی کوئی موجود نہیں ہو، کچھ دن ہوئے بیگم دشہری آم کھانے کے لیے چاقو بنوانے کو کہہ رہی تھی، معلوم کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیگم، بیگم بھائی سارا دشہریاں کھانے کے لیے چاقو بنوا لیا ہو تو بھیج دیجیے۔ گڈ کیا کبگیر، یعنی رائے صاحب سے مقابلہ کرنے ہمیں کبگیر لے کے جائیں گے؟ شبن میاں بھابھی صاحبہ سے ایسی بد مزاقی کی امید نہیں تھی۔ نواب صاحب آپ ہی بتائیے آپ کو کس قسم کا ہتھیار چاہیے؟ اجی ایک طرف رائے صاحب ہے جو ہمارے قتل کے لیے میاں نظام کے ہاتھ کا بنا ہوا چاقو لا رہے ہیں، اور ہم ان کی شان میں گستاخی ایک کبگیر سے کریں گے، یہ کہاں تک مناسب ہے؟ نواب صاحب اس وقت کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے شبن میاں کچھ کیجیے یا نہ کیجیے، کم سے کم ہماری عزت اور رائے صاحب کی وقار کا خیال کیجیے۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، طبیعت خوش کر دی بھابھی آپ نے، بس جلدی بھیج دیجیے۔ شبن میاں وہ رائے صاحب باہر کھڑے ہیں، ذرا انہیں اطلاع کراتے ہیں۔ وہ باہر کھڑے ہیں، آپ ان کو اندر کیوں نہیں لائے؟ جی وہ کہنے لگے نا کہ ہم نواب شبن میاں کا قتل کرنے جا رہے ہیں، تو شبن میاں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خوبصورت چیز ہے بھابھی،
आदा बजा लाता हूँ, दिल खुश कर दिया आपने। आइए तो उनसे कुछ मुनासिब समझ नहीं आ रहा। राय साहब को अंदर ही बुला लेते हैं। राय साहब आप अंदर तशरीफ ले आइए। माफ कीजिएगा, अभी अभी नवाब साहब ने तलाकी है क्या बाहर खड़े, आ जाइए। अरे मिश्रा बाबू भी साथ आए। मिश्रा जनाब, ये तीसरे साहब कौन? भाई एक मुसीबत ज़दा है, अपने गांव में मुस्लिम हजरात के हाथों सब कुछ लुटवा करके आ रहे हैं, बदला लेना चाहते हैं। और ये माशे कौन है, पहले कभी देखा नहीं। ये भी बड़ी मुसीबत ज़दा है, चारों का सारा खानदान हिंदू साहिबान ने खत्म कर दिया। राय साहब, जिस तरह आपने तय किया है कि आप इन माशे का बदला लेंगे, वैसे हमने भी तय किया है कि हम रहीमुद्दीन खान साहब का बदला लेंगे और हमारा मुकाबला आपसे होगा। ये देखिए मेरी खलाल, ये आपके चाकू की टक्कर भी है नहीं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह, नहायत ही सुबह चीज है नवाब साहब। अल्लाह बिल्कुल कटार मालूम होती है, इससे मुकाबला करने में तो मजा ही आएगा। मिश्रा बाबू बुलाई सा कीजिए। अरे यार की तस्वीर है ये तो एकदम कमान मालूम होती है। मिश्रा जी, तीर को कमान से निकले देर हो चुकी है। आइए राय साहब, मुकाबला शुरू किया जाए। मेरी ना उलझन बढ़ रही है। ठीक है नवाब साहब, शुरू करते हैं, जितना जल्दी निपटा दिया जाए बेहतर होगा। शबन भैया, आप और मिश्रा जी अंदर चबन में चलिए, तब तक हम इस काम से फारिग होके आते हैं। और हाँ, कफन का इंतजाम कर दीजिए, अब किसी एक न एक के तो काम आ ही जाएगा। क्यों, गलत कह रहा हूँ राय साहब? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। शबन भैया, जरा ख्याल रखिएगा, हमने जिंदगी भर चिकन और मलमल पहना है, हम मरते वक्त लट्ठे वगैरह का कफन जरा जिस्म में गड़ेगा तो ध्यान रखिएगा। नवाब साहब, होश की बातें कीजिए, मलमल का कफन पहनेंगे, मैयत की बर्कर्दगी करवानी है क्या? मरते वक्त भी अपनी हंसी उड़ाएंगे। माफ कीजिएगा राय साहब, ये जोशे इंतकाम में अक्ल मारी गई। आइए तो मुकाबला शुरू किया जाए। आइए जनाब, शुरू करते हैं। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं तो बचाव के कामिल हूँ। राय साहब, आप उम्र में हमसे पूरे 5 रोज बड़े हैं, इसीलिए हमारे बुजुर्ग हैं, तो पहले आप वार कीजिए। नवाब साहब, बड़े होने के नाते तो हमें छोटों पे कभी पहल नहीं करनी चाहिए। आप ये सब छोड़िए, आप वार कीजिए। जी नहीं राय साहब, पहले आप वार कीजिए। नवाब साहब, तकल्लुफ छोड़िए और वार कीजिए। हरगिज़ नहीं राय साहब, पहले आप वार कीजिए। जी नहीं नवाब साहब, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप नवाब साहब, पहले आप वार कीजिए। नवाब साहब, आपको हमारे सर अजीज की कसम, पहले आप वार कीजिए। राय साहब, ये सर अजीज की कसम क्या दे दी, हमें मजबूरी में वार करना पड़ेगा, तो आइए बचिएगा हमारी जुबान से। सभी लखनऊ वाले ऐसे हैं तो हो लिया फसाद। आदाब नवाब साहब, आदाब, ये लीजिएगा, बचिए हमारे नए पैसे से। माशाल्लाह, कहना पड़ेगा कितनी खूबसूरती से आपने नोक चुभाई है। हल्का हाथ है आपका। राय साहब, शर्मिंदा ना कीजिए, अब तकल्लुफ छोड़िए और दोबारा वार कीजिए। जी नहीं राय साहब, अब आपकी बारी है, आप वार कीजिए। जी नहीं, आज जरा कुछ ठीक महसूस नहीं होता, एक काम करते हैं नवाब साहब, बाकी का मुकाबला कल के लिए कर लेते हैं। अच्छा राय साहब, हमें तो सरे अजीज की कसम दिला दी और वार करा दिया, हम अपनी बारी में किनाई काट रहे हैं। भाई नवाब कपन यहाँ आपकी इन बातों में आने वाले नहीं है। नवाब साहब, कल मैं भी जरूर ब जरूर आपको चाकू की नोक चुभाऊंगा, लेकिन हाँ तब तक रहने देते,
आज तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही। तुम्हारा खासा कुछ नासाज तो नहीं? नहीं नहीं, सब ठीक है, बस जरा भारी पंसा महसूस कर रहा हूँ। एक काम करते आज रहने देते हैं, आइए तो आराम कीजिए। खुदा ना खासा दुश्मनों को हराना तो भी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अंदर मिश्रा जी और राय साहब शब्बनिया की बाजी चल रही है, आइए चलते हैं। आइए चला जाए। पर वो महाशी जी और रामदीन साहब कहाँ चले गए? अरे वो देखिए, वो जा रहे हैं दोनों, लगता है अभी भी पता नहीं की विराट में। अरे रामदीन साहब, रसोई खाने जरूर चले जाइए ना, संक्रांत को आपका इंतजार होगा। और खान साहब आप भी जरा जल्दी आइएगा। आदाब। आदाब, आइए आइए आइए। चल रहा है लखनऊ शहर पर, और लाना तो उन पे जो ऐसे शहर में फसाद कराने आए। Thank you.